देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिजनौर में जजी चौक पर दो गाड़ियों में टक्कर होने से लगा लंबा जाम, अक्सर लगती है लंबी लंबी कतारें। रायबरेली में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की वार्डन द्वारा लड़कियों से करवाया जा रहा बाल श्रम। मऊ में फर्जी अधिकारी बनकर पीएम आवास के नाम पर वसूली किए जाने का मामला आया सामने। बुलंदशहर में स्कूल गई लड़की दोबारा नहीं पहुंची घर, लड़की के परिजन बच्चे की तलाश में लगा चुके थाने के हजारों चक्कर। सिद्धार्थनगर में हर साल किया जाता है श्री धनुष महायज्ञ का आयोजन, क्षेत्र वासियों में खुशी का माहौल। और अब खबरें विस्तार से। बिजनौर में जजी चौक पर उस समय सड़कों पर लंबा जाम लग गया जब दो गाड़ियों में आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस रोड पर पूरे पूरे दिन अक्सर यूं ही बसों और कारों की लंबी लंबी कतारें लगती रहती हैं। दरअसल ये शहर का सबसे व्यस्त एरिया है जो चारों तरफ के कस्बों को कवर करता है, इसलिए इस रोड पर पूरे दिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है। सारे स्कूल कॉलेजों का रास्ता, जजी का रास्ता और यहां तक कि अस्पताल का रास्ता भी यहीं से होकर जाता है। आज शाम भी ट्रैफिक का यही हाल था। अचानक एक गाड़ी शक्ति चौक की ओर तेज गति से आई और जजी चौकी की ओर से शक्ति चौक की ओर जा रही नई नवेली कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें बैठे हुए लोगों को काफी चोटें आई। एक गाड़ी तो कल ही एक युवक को दहेज में मिली थी जो पूरी तरह से टूट गई, उसको ऑयल सड़क पर दूर तक फैला गया। और ये किसकी गलती, मतलब किधर से आ रहे थे? हाँ, बहुत स्पीड में। अच्छा, और ला के सामने से मार दी। क्या हो गया? मुझे नहीं पता क्या हो गया, मुझे टक्कर आ गया। क्या नाम आपका? मेरा अमल। आप कहाँ के रहने वाले? मेरठ का। मेरठ के रहने वाले। कहाँ जा रही थी गाड़ी आपकी? गाड़ी मेरठ जा रही थी। मेरठ जा रही थी। सवारी के चोट लगी है? सवारी के चोट लगी है। हाँ, हॉस्पिटल भेज दिया? हाँ, लेडी सवारी के चोट लगी। हादसे के बाद जजी पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई, जिसके बाद उसमें सवार घायल लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बिजनौर से संवाददाता सलीम अहमद की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। रायबरेली जिले के विकास खंड क्षेत्र में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की वार्डन गीतांजलि द्वारा वहां के चौकीदार और स्कूल में रहने वाली बच्चियों से शौचालय निर्माण के लिए जबरन गड्ढा खुदवाया जा रहा है। छात्राओं और चौकीदार के विरोध करने पर वार्डन गीतांजलि द्वारा उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। सदर तहसील क्षेत्र के बालश्रम तथा विद्यालयों में बच्चों से काम ना कराए जाने को लेकर सरकार और शासन द्वारा शक दिशा निर्देश दिए जाने के बाद भी क्षेत्र के थुलवासा गांव स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में हो रहे शौचालय निर्माण के गड्ढे को लेकर विद्यालय की वार्डन गीतांजलि द्वारा छात्राओं एवं चौकीदार से जबरदस्ती तथा उन्हें डरा धमका कर काम करवाने का मामला प्रकाश में आया है। गौरतलब है कि रायबरेली जनपद के विकास खंड क्षेत्र अमावा के गाँव थुलवासा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की वार्डन गीतांजलि के द्वारा वहां के चौकीदार एवं विद्यालय में रहने वाली बालिकाओं से शौचालय निर्माण हेतु जबरन गड्ढा खुदवाया जा रहा है। छात्राओं तथा चौकीदार के विरोध करने का पर वार्डन गीतांजलि द्वारा उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। वहीं काम करने वाले मजदूरों ने मीडिया को दिए गए बयान में बताया कि वार्डन गीतांजलि मैडम के द्वारा बालिकाओं को काम पर लगाया गया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में मैं कल चौराहे से गांव जा रहा था तो देखा हमने कि यहां की कुछ बच्चे जो है जी इसी लाइटिंग के गड्ढे में काम कर रहे हैं, मिट्टी उठा रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं मिट्टी, और मैडम उनको जो है कि डांट फटकार रही थी जो वार्डन है यहाँ की। कितनी देर तक बच्चे काम कर रहे थे? बच्चे लगभग ये मान के चलिए कि जब तक मैं यहाँ खड़ा था लगभग 20-25 मिनट तब तक तो काम कर ही रहे थे जी। उसके कितने पहले से काम कर रहे थे अभी तो नहीं बता सकते हम। ठीक है। नरेश कुमार। कहाँ पर काम करते हैं आप? कस्तूरबा गांधी अमावा में थुलवासा। क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ वही लेटरिन का गड्ढा खोदा जा रहा है। बच्चे द्वारा भी काम कराया जा रहा है? तो तीन लेबर भी लगे हैं और हमसे भी कहा गया था कि भर दो बच्चे उठा उठा के फेंक रहे हैं, हेल्प करा रहे थे, अपने भेज दिए थे मैडम। ये कितने दिन से चल रहा है? ये तीन दिन से चल रहा है। यहाँ के वार्डन कौन है? गीतांजलि मैडम। तो गीतांजलि के कहने पर आप लोग कर रहे हैं सब? जी। बात को लेकर क्षेत्र की जनता में विद्यालय की वार्डन गीतांजलि के प्रति आक्रोश व्याप्त है। रायबरेली से संवाददाता ज्ञानेंद्र अवस्थी की रिपोर्ट, यूपी। योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बुलंदशहर में विद्यालय गई लड़की दोबारा अपने घर नहीं पहुंच पाई।
लड़की के परिजन बच्ची की तलाश में लगातार थाने के हजारों चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। योगी सरकार में नहीं महिला सुरक्षित, शिक्षा के मंदिर विद्यालय गई लड़की अभी तक नहीं पहुंची घर, परिवार वाले बच्ची की तलाश में लग रहे थे, थाने के हजारों चक्कर लग चुके थे। ग्राम तेलिया नगरा कुमाली नैन्सी काल्पनिक नाम पुत्र सुधीर चौधरी, जो कि 14 नवंबर 2018 को अपने घर से स्कूल के लिए पढ़ने गई थी और वापस नहीं पहुंची, जिसकी तहरीर उसके परिजनों ने थाना अनूप शहर को दी। उसके पश्चात अभी तक लड़की का कोई सुराग नहीं लगा। आज लगभग एक महीने बाद लड़की के परिजनों ने अनूप शहर थाने के सामने धरना और परिजनों ने प्रशासन से अपनी बेटी को ना मिलने का बहुत रोष व्याप्त है। क्या मामला है, क्यों गिरफ्तार करना पड़ रहा है? हमारी लड़की गायब हुई है, 14 तारीख को स्कूल आई थी, मुलजिम पुलिस लेकर छोड़ रही है कैसे, और एक मुलजिम को जेल भेज दिया है और मेरी लड़की को बरामद ना करना चाह रही है। रोड जाम क्यों कर रखा है आपने, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं हो रही, मेरे मेरी कार सुनी नहीं रही पुलिस, कैसे एक महीना हो गया सुनी नहीं रही। क्या कहना है उनका? मेरी कार्रवाई हो, मेरी लड़की बरामद होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस प्रशासन आजकल कर रहा है क्या, आज होगा कल होगा, रोजाना बेकारा मेरी गाड़ी तक मंगवा लेते हैं, रोजाना शाम को कहते हैं कि आज नहीं जा रहे हम। मैंने गाड़ियों में भी जो बला बला पैसे दे दिए हैं, अपनी गाड़ी भाड़े की लेके आया हूँ, क्या दवा स्टैंड जाएंगे, फिर मैं सांझ को अपने घर लेके गया हूँ, खाड़ी का मैंने भाड़ा दिया है गाड़ी का, और पुलिस ने मेरा संग नहीं दिया है। बदमाश मेरी लड़की को आज तक नहीं दे पाए और ये पुलिस पैसे ले लेके छोड़ रही है बदमाशों। परिजनों का कहना है कि पुलिस अभी तक कोई कार्यवाही नहीं कर पाई है और घर वालों को झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। पुलिस की नाकामी के पीछे घर वालों का आरोप है कि शांत कर रखा है। एक तरफ मोदी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ प्रशासन की आंख अभी तक नहीं खुली। बुलंदशहर से संवाददाता गुड्डू राघव की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। सिद्धार्थनगर के घोसवा समय माता के स्थान पर हर साल श्री धनुष महायज्ञ का आयोजन किया जाता है, जो कि सदर तहसील के बर्डपुर ब्लॉक के घोसवा में हुआ, जिसे देखकर क्षेत्रवासी काफी उत्साहित नजर आए। सिद्धार्थनगर जिले के घोसवा समय माता के स्थान पर हर साल श्री धनुष महायज्ञ का आयोजन किया जाता है, जो कि सदर तहसील के बर्डपुर ब्लॉक के घोसवा में होता है, जिसे देखकर क्षेत्रवासी काफी उत्साहित होते हैं। मेले का उद्घाटन अपना दल प्रदेश अध्यक्ष युवा मंच हेमंत चौधरी द्वारा फीता काटकर किया गया। मेला जो है ये हर साल यहाँ पे मेला लगता है, विशाल मेला लगता है, जिसमें इस पूरे क्षेत्र के हजारों लोग इस मेले में सम्मिलित होते हैं। इस मेले का आज मुझे भी हिस्सा बनने का गौरव हासिल हुआ और मैं चूंकि भगवान श्री राम जी का परम भक्त हूँ, तो मुझे आज जो ये मौका मिला है यहाँ पर आने का, इन सारे लोगों के बीच में सम्मिलित होने का, तो इससे बड़ा गौरव का दिन मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं इस मेले में इस कार्यक्रम में जितने भी लोग सम्मिलित हुए हैं उन सभी के लिए मैं भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करूंगा कि इनको सच बोलने का सच सुनने का साहस दें, ताकि ये लोग अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। मैं भगवान श्री राम जी से मैं उम्मीद करूंगा, अनुरोध करूंगा कि यहाँ के जो लोग हैं, जो ये मेला हर साल लगता है जिसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं ये। वहीं जब प्रदेश अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस धनुष यज्ञ को देखने के लिए दूर दूर के अलावा पड़ोसी देश नेपाल के लोग भी आते हैं। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।